वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। चैनल में न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो विदाउट फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो दोस्तों, आप सबके लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। जी हाँ, और द रूबीना दिलेक फैंस के लिए एक नहीं डबल गुड न्यूज है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि रूबीना दिलेक अपनी प्रेगनेंसी फेज में बहुत ज्यादा ट्रेंड होती हुई, वायरल होती हुई नजर आई। सबको इस बारे में ऑलरेडी पता है कि रूबीना दिलेक की थी ट्विंस प्रेगनेंसी। इसी के साथ साथ रूबीना दिलेक ने अपना एक पॉडकास्ट भी शुरू किया जिसमें उसने अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड काफी सारी जर्नी बताई, जिनको उन्होंने नाम दिया जो किसी ने आज तक बताया नहीं, किसी ने कहा नहीं। उसमें आपने भारती सिंह को भी देखा, खुद के उनके हस्बैंड को भी देखा एंड आई थिंक आज या कल में उनकी एक और पॉडकास्ट की सीरीज आ जाएगी। तो इतनी खूबसूरती से उन्होंने अपना प्रेगनेंसी की पूरी जर्नी कवर की और बहुत ही खूबसूरती से दिखाई। हालांकि ये प्रेगनेंसी इतनी आसान नहीं थी क्योंकि प्रेगनेंसी 5 साल के बाद रूबीना दिलेक को हुई थी और पिछले 2 साल से वो इस चीज के लिए स्ट्रगल कर रही थी। इनिशियल जर्नी में भी उन्हें बहुत सारे अप डाउन आए। कहीं ना कहीं यही रीजन था कि उन्होंने 3 महीने तक किसी को भी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया ही नहीं, नॉट इवन हर नियर डियर एंड फैमिली। 3 महीने के बाद ही उन्होंने अपनी फैमिली को अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की, यानी कि अपनी फैमिली से प्रेगनेंसी न्यूज शेयर करी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि बीच में उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था जो आप सब लोगों ने भी न्यूज में वगैरह वगैरह सुना होगा कि वो कार से टक्कर का एक वीडियो उनका आया था जिसमें उनके हस्बैंड ने कंसर्न जताया था और उस समय भी जितने भी रूबीना फैंस है सबके दिलों की धड़कन बढ़ गई थी। उसके बारे में भी अपनी पॉडकास्ट में रूबीना ने जिक्र किया है कि उस ट्रॉमा से भी मुझे, उस डिप्रेशन से भी निकलने में मुझे इतना टाइम लग गया क्योंकि मैं इतना घबरा गई थी कि आने वाले महीने मेरे लिए कितने घबराहट वाले रहे होंगे। बिकॉज वो कार से आ रही थी और उनकी कार बहुत जबरदस्त तरीके से एकदम टक्कर हुई जिसकी वजह से वो भी आगे की तरफ लगी, लेकिन थैंकफुली कि उनके बेबी बिल्कुल ठीक सलामत है। वेल, उनके घर में आ चुकी है गुड न्यूज। जी हाँ, रूबीना दिलेक को हो चुकी है 2 प्यारी प्यारी बेटियां। इस बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुकी थी लेकिन आज ऑफिशियली इस बात का अनाउंसमेंट करते हुए मुझे दिल से खुशी हो रही है क्योंकि कोई भी खबर तब तक अधूरी होती है जब तक उस खबर का ऑफिशियली अनाउंसमेंट ना हो जाए। तो आज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रूबीना और अभिनव ने अपनी दोनों बेटियों को अपनी पूरी सोशल मीडिया फैमिली से इंट्रोड्यूस करवा दिया है और इस चीज की कंफर्मेशन दे दी है कि वाकई में उनके घर आई है 2 नन्ही परियां। कुछ छोटी छोटी बेबी की पिक्चर्स उन्होंने दिखाई है, पूरा फेस रिवील अभी नहीं किया है, थोड़े से हैंड्स की पिक्चर है। कलर वगैरह देख के तो ये जाहिर है कि हिमाचल की बिटिया हिमाचल में ही जाएगी और बाकी तो जब फेस दिखेगा तब पता चलेगा कि नाक नक्शा सकल सूरत किस पे गई है। जी हाँ, आज रूबीना की बेटी यानी कि आज की डेट में 1 मंथ की हो गई है। हुआ ना सरप्राइज, मतलब मैंने इतनी प्राइवेट एक्ट्रेस आज तक नहीं देखी थी। पहले जिसकी प्रेगनेंसी की न्यूज भी घूम रही थी हवाओं में लेकिन उस चीज का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं फैंस को ये कंफर्म करने में ही वक्त लग गया कि वाकई में रूबीना दिलेक प्रेग्नेंट है, वाकई में क्या वो कंसीव कर चुकी हैं। लेकिन जब बेबी बम सबको विजिबल होने लगा देन हमें ये चीज की क्लैरिटी हो गई कि यस, रूबीना दिलेक वाकई में प्रेग्नेंट है। उसके बाद खबर आई कि रूबीना दिलेक की ट्विन प्रेगनेंसी है। इसके बारे में भी बहुत बातें चली लेकिन वो बातें धीरे धीरे मिट गई। लेकिन जब रूबीना दिलेक ने अपने मुंह से इस बात का भी ऑफिशियली कंफर्मेशन दिया कि यस, उनकी ट्विंस प्रेगनेंसी है, तब भी फैंस को एक अनदर लेवल की खुशी हुई। और अब जब बेबी पूरे 1 मंथ के हो चुके हैं तब रूबीना दिलेक ने ऑफिशियली इस बात का अनाउंसमेंट किया कि यस, हमारे घर में 2 नन्ही परियां आई हैं और दोनों बच्चियां आज गुरुपुर्ब के दिन पूरे 1 मंथ की हो गई हैं। इस खुशी में रूबीना दिलेक ने अपने घर में एक छोटा सा हवन भी कराया जिसकी पिक्चर्स उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की है। तो आप लोग भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को ये न्यूज सुन के कैसा लगा। वेल, इसे कहते हैं कि कुछ चीजें लाइफ में, कुछ पर्सनल चीजें लाइफ में हमेशा हमें प्राइवेट रखनी चाहिए ताकि जब वो खबर और वो न्यूज हम अपने सोशल मीडिया पे दें तो लोगों को सरप्राइज के साथ साथ खुशी भी हो। कि वो कहते हैं ना कि जो इंसान मेहनत करता है, जिसके साथ बीतती है, वो हमेशा अपने हर कदम फूक फूक के रखता है। तो इन बेबी के लिए रूबीना दिलेक ने आई थिंक बहुत दुआएं करी होंगी,
बहुत मेहनत करी होगी, और जब मेहनत के बाद हमें कोई चीज मिलती है तो वो चीज हमारे लिए खास हो जाती है, वो चीज हमारे लिए अनमोल हो जाती है, और उस चीज को हम अपनी जान से भी ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। वेल, इस समय दौर है बच्चों का फेस रिवील का, तो देखते हैं कि अब रुबीना तलिक अपनी दोनों प्यारी नन्ही परियों का फेस कब रिवील करती है। वेल, रुबीना तलिक, आपकी इस मदरहुड जर्नी में मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आई नो कि आप चीजों को लेकर कितने पिकुलर हो, एंड आई नो कि आपके साइंटिस्ट हस्बैंड आपको पल पल गाइडेंस देने के लिए वहां पे ऑलवेज अवेलेबल रहेंगे, एंड मैं जानती हूँ कि वो कितनी ज्यादा रिसर्चिंग में बिलीव करती हैं, तो आई एम श्योर कि इनकी मदरहुड जर्नी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और अनदर लेवल की होने वाली है। जिस तरीके से इनका खुद का नेचर है, नेचर के बीच में रहने का, डाउन टू अर्थ, पोलाइट, वैसे ही आई थिंक इनके बच्चों के अंदर भी वही संस्कार ये लोग अपनी फैमिली से देंगे। तो बड़ा मजा आने वाला है आगे के टाइम में रुबीना दिलीप को 2 से 4 होते हुए इस जर्नी में आगे बढ़ते हुए देखने में। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को ये न्यूज सुन के कैसा लगा, और यस, कॉन्ग्रेचुलेशन, और बेबी के लिए ब्लेसिंग्स लिखनी बिल्कुल मत भूलना। सो ये था आज का एक अपडेट, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और हाँ, चैनल को लाइक करने में भी कंजूसी मत करना, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर देना ताकि अनदर कोई भी वीडियो मैं डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहीं पे करते हैं आज की न्यूज खत्म, नेक्स्ट न्यूज के लिए बहुत जल्दी आपके सामने आऊंगी, इसीलिए बोल रही हूँ कि नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।